नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक। टॉपिक अपना कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग। इसका अपन ने क्या बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखे दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या दिया हुआ है, एक कोट भाषा में पी आर ओ वी ई एन को पी एस क्यू ओ एफ डब्लू लिखा जाता है, उसी भाषा में एम ओ एन जी ई आर को क्या लिखेंगे? बात समझ में आ गई क्या? कोई कूट भाषा है उसके अंदर अपन क्या पी आर ओ वी ई एन को पी एस क्यू ओ एफ डब्लू लिखते हैं, तो उसी भाषा में जिस भाषा से इसको लिखा था इसमें, उसी भाषा में अपन क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? बात समझ में आ गई क्या? ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का, तो आप सोल्व करने की कोशिश करो। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था अच्छे से और क्वेश्चन भी कर लिए थे, चलो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन इजी है ये। अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं ढंग से तो आराम से हो पाएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और रॉन्ग होने का चांस तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये दिल्ली पुलिस 2020 में आया क्वेश्चन है, चलो इसको सोल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके कर लेना। क्या लिखा है देखो, इधर अपन इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखा है देखो, पी आर ओ वी ई एन को क्या लिख दिया, एन को इसने लिखा है पी एस क्यू ओ डब्लू ओ एफ डब्लू लिखा, सॉरी ओ एफ डब्लू लिखा। बात समझ में आ गई क्या? तो कैसे लिखा अपने को ये देखना है, क्या लॉजिक लगा है इसमें, किस प्रकार से लिखा है ये क्वेश्चन। देखो पी आर ओ वी ई एन को क्या लिखा, पी एस क्यू ओ एफ डब्लू। ये पहले सबसे पहले अपने को ऐसा क्वेश्चन आने पे सबसे पहले ये देखेंगे कि इससे ये कैसे बनाया, ठीक है? कोई कूट भाषा है, इसके अंदर क्या है ये अपने को क्या दिया है और इससे फिर बनाया क्या है ये नीचे वाला, तो ये किस प्रकार से बना है सबसे पहले अपने को ये देखना होगा और फिर उसी तरह से अपन क्या करेंगे इसको बनाएंगे। बात समझ में आ गई, तो अपन कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनाया इसको, अपन ने क्या किया इनको टुकड़ों में तोड़ दिया तीन तीन। बात समझ में आ गई क्या, ये अलग अलग तोड़ दिया सबसे पहले ये क्या इस क्वेश्चन में। अब देखो ओ सबसे पहले पी से अपन चलते हैं, पी में अपन एक ऐड करेंगे, पी प्लस एक कितना हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या, पी का अगला अक्षर क्या हो जाता है, पी में एक जोड़ेंगे तो अगला अक्षर क्या हो जाता है क्यू, पी का कौन सा अक्षर है, स्थान कौन सा है, पी बराबर 16 होता है। बात समझ में आ गई क्या, और क्यू कौन सा होता है शत्रु स्थान पे, तो पी से क्या हुआ एक ऐड कर दिया पी में, पी में क्या किया प्लस एक कर दिया तो क्यू आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अब ओ में भी क्या करेंगे, ओ का स्थान ओ बराबर कौन सा है 15वां, ओ में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16वां स्थान, 16वां स्थान किसका है पी का, तो ये देखो ये ओ में क्या जोड़ दिया एक जोड़ दिया। इसी प्रकार से आर में भी अपने एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, पी में अपन ने क्या जोड़ा एक जोड़ा तो क्या आ गया क्यू आ गया, इसी प्रकार से आर में अपन ने एक जोड़ा तो क्या आ गया एस आ गया, और ओ में अपन ने एक जोड़ा एक जस्ट अगला लिखा तो क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो इसी प्रकार से इसको लिखा है, इसका कौन सा स्थान है 22वां स्थान है वी का, डब्ल्यू है 23वां स्थान तो इसमें क्या जोड़ दिया एक, इसी प्रकार एन का 14वां स्थान है एक जोड़ा तो ये कौन से स्थान पे हो गया 15वां स्थान किसका ओ का, इसी प्रकार ई में एक जोड़ा तो क्या आ गया एफ आ गया। सभी के बाद समझ में आ गई होगी, सभी में क्या है एक ऐड किया है और क्या 36 क्या कर दिए ऐड कर दिए। बात समझ में आ गई, इसी प्रकार अपन इसको लिखेंगे एम ओ एन जी ई आर, इसमें भी क्या अपन तीन तीन के टुकड़े कर लेंगे सबसे पहले। अब देखो अब क्या किया है एम प्लस एम में क्या जोड़ देंगे एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, एन का स्थान 13वां है एन 14वां स्थान, एन में एक जोड़ा तो एन आ गया, इसी प्रकार एन में एक जोड़ा तो एन का स्थान 14वां 15वां स्थान कौन सा है ओ, तो ओ आ गया प्लस एक किया, ओ में एक जोड़ा प्लस एक तो क्या आ गया पी आ गया। बात समझ में आ गई, इसी प्रकार इसमें करेंगे जी का स्थान कौन सा है 7वां, तो एच इससे इसमें एक ऐड किया तो क्या हो गया एच आ गया, अब आर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एस आ जाएगा, ई का क्या हो जाएगा ओ एफ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या सही होगा ओ पी एन एस एफ एच, ये क्या हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ गई होगी, इसमें जो लॉजिक लगाया है इसमें लॉजिक लगाया है वही लॉजिक क्या है इसमें लगाएंगे। बात समझ में आ गई,
इनमें क्या किया देखो, ध्यान से देखो, पी में एक जोड़ा तो क्यू आ गया, आर में एक जोड़ा तो एस आ गया, ओ में एक जोड़ा तो क्या आ गया, पी आ गया। इसी प्रकार बी में एक जोड़ा डब्ल्यू आ गया, ई में एक जोड़ा तो क्या आ गया, एफ आ गया, एन में एक जोड़ा तो ओ आ गया। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अपन ने इसमें करेंगे तो एम में एक जोड़ेंगे, एम में एक जोड़ा इधर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर अपन ने क्या किया, ओ में एक जोड़ा तो पी आ गया, एन में एक ऐड किया तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे करेंगे, जी में एक ऐड किया एच आ जाएगा, आर में ऐड किया एस आ गया, और ई में एक जोड़ा एफ आ गया। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या हो गया, ओ पी एन एफ है एच। बात समझ में आ गई क्या, ये क्या है एच। ये क्वेश्चन देखो दिल्ली पुलिस 2020 में है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया होगा ढंग से समझ में, अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नोट डाउन करो भाई इसको। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, कूट भाषा है उसमें डी वाई एन ए एस टी वाई को क्या लिखा है, एन वाई डी ए वाई एस वाई टी एस लिखा। बात समझ में आ गई क्या, कोई कूट भाषा है उसके अंदर अपन ने क्या लिखा, डी वाई एन ए एस टी वाई को अपन ने क्या लिख दिया, एन वाई डी ए वाई टी एस लिख दिया। तो उसी भाषा में अपन क्या इसको क्या लिखेंगे, बात समझ में आ गई क्या, उसी भाषा के अंदर क्या इसको क्या लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। देखें ये भी दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो देखते हैं आपको पता लग जाना चाहिए या नजर मारते कैसे लिखा है, ज्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं, या देखते हैं आपको पता चल जाएगा भाई, सेम सेम मिल रहे हैं लगभग ही। चलो तो अपन करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई कर लिया आप लोगों ने, सॉल्व करते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, डी वाई एन ए एस टी वाई अपने को ये दिया हुआ है। अब इसका क्या बनाया है, कूट भाषा में इसका बनाया है एन एन वाई डी क्या कि क्या, देखो ए वाई टी एस ये बना। तो ये देखते हैं आपके समझ में आ गया होगा, आपने सॉल्व कर लिया होगा किस प्रकार से किया है। देखो इसको कैसे लिखा अपन सोल्व करेंगे, क्या लॉजिक लगा है इसमें, इसमें सीधा सीधा लॉजिक है। देखो इस डी को लिख दिया अपने यहाँ पे, इसी में भी क्या तीन तीन के जोड़े बनाए हैं, इधर के तीन के जोड़े, ये बीच चला तो सेम लिख दिया ए का ए, इधर क्या किया डी का, यहाँ फर्स्ट में था ये तीसरे नंबर पे आ गया, इधर जो लास्ट में था इसको फर्स्ट में लेके आ गए, और वाई सेम वैसे के वैसे लिख दिया। बात समझ में आ गई क्या, इसी में क्या किया है, जो फर्स्ट में एस था इसको लास्ट में लेके आ गए, जो लास्ट में वाई था इसको फर्स्ट में लेके आ गए, और टी वैसे के वैसे आ गया। बात समझ में आ गई, चेंज किसको किया, जो पहला है इसको चेंज किया अपन ने, इसमें क्या किया है, जो तीसरे नंबर का है इसको तो फर्स्ट में लेके आ गए, वाई जो बीच का वो सेम वैसे के वैसे रह गया, और जो फर्स्ट का वो तीसरे नंबर पे आ गया। इसी प्रकार से अपन इसको लिखेंगे किसको, आर क्या है देखो, आर ई एस पी ओ एन डी ये है अपने पास। तो देखो बीच वाला सेम का सेम है, पी का पी, ये अपन ने क्या किया सबसे पहले तीन तीन के जोड़े बना दिए, बीच वाला सेम का सेम है तो पी के पी की जगह पी पी आ गया। अब क्या किया, सबसे फर्स्ट में देखो कौन सा आया है, एन आया, तीसरे नंबर का आ गया, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, एस आ जाएगा, ई सेम रहेगा, ये ई आ गया, और जो फर्स्ट नंबर पे है आर वो क्या आएगा तीसरे नंबर पे, तो इसको यहां लेके आ गए, ये तो गया आर। इसी प्रकार से अपन इसको करेंगे, जो लास्ट में इसको फर्स्ट लेके आएंगे, ये आ गया अपने डी, एन वैसे के वैसे आ गया एन, और ओ आ जाएगा लास्ट के अंदर, तो अपना आंसर क्या हो गया, एस ई आर पी डी ओ एन। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया अपना आंसर। देखो क्वेश्चन इजी था ये, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो दोस्त मतलब 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा ये देखते हैं आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से किया है। दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसे इजी है, देखो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, करो नोट डाउन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये भी दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखो,
कूट भाषा में डब्ल्यू ए आर डी आर ओ बी ई को ए डब्ल्यू डी आर ओ आर ई भी लिखा, तो अपन आर ई टी ए आई एल को क्या लिखेंगे? बात समझ में आ गई? डब्ल्यू ए आर डी आर ओ बी को अपन ने क्या लिखा? ए डब्ल्यू डी आर ओ आर ई भी लिखा, तो आर ई टी ए आई एल को क्या लिखेंगे? देखो इसको करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे वैसा ही क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कर दो, करने की कोशिश करो। चलो आपने कर लिया हुआ वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, हमने को दिया है डब्ल्यू ए आर डी आर ओ बी ई, ये अपने को क्या है दिया हुआ है, इसको लिखा क्या, देखो ए डब्ल्यू लिख दिया, डी आर ओ आर और ई बी लिखा। बात समझ में आ गई क्या? क्या लिखा है? ई बी, ये इसको लिखा है। तो इसी प्रकार से अपने को लिखना है आर ई टी ए आई एल, इसको क्या कैसे लिखेंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे लिखा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, बहुत इजी है ये। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको, इन दोनों को देखते ही दिमाग में आ गया होगा अगर पहले नहीं आया तो। चलो देखते हैं कैसे किया इसको। ये देखो इनमें क्या बनाए हैं, दो दो के जोड़े बना दिए, कितने कितने के? दो दो के। इसमें कितने के बनाए हैं? दो के। देखो ए पहले ले आए, डब्ल्यू बाद में ले आए, बात समझ में आ गई? यहाँ क्या है, डी पहले आर बाद में, बात समझ में आ गई क्या? इसी प्रकार से आगे किया है, ये ओ पहले ले आके आ गए, आर बाद में लेके आ गए, बी आगे लेके आ गए, ई पहले लेके आ गए, बात समझ में आ गई? इसमें देखो जोड़े कितने कितने बनाए, दो दो के। फिर क्या किया, इनको आपस में चेंज कर दिया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दो दो के जोड़े बनाए, इनको क्या आपस में चेंज कर दिया, जो फर्स्ट में इसको लास्ट में कर दिया, जो लास्ट में उसको फर्स्ट में कर दिया। इसी प्रकार से अपन इसको करेंगे, देखो इधर ध्यान देना भाई, आर ई टी ए आई एल, इसमें भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये दो और ये दो। अब क्या क्या कैसे किया, इसमें जो लास्ट में इसको फर्स्ट में लेके आएंगे, ये ई लास्ट में इसको फर्स्ट में लेके आ गए, ई आर को बाद में लेके आ गए, आर इधर टी को लेके आ गए बाद में, ए पहले लिख दिया, इसी प्रकार से लिखेंगे आई को बाद में और एल को पहले लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, आंसर क्या होगा, इधर देखो ई आर ए टी एल ई, ये क्या हो गया अपना आंसर। बात आ गई सभी के समझ में? इधर देखो एक बार दोबारा ध्यान दो, देखे क्या दिया है, ये तो अपने को दिया है, इसमें क्या दो दो के जोड़े बनाए, सबसे पहले अपन ने क्या बना लिया, दो दो के जोड़े बना दिए, फिर इनको क्या कर दिया आपस में चेंज कर दिया, जो फर्स्ट में उसको लास्ट में लेके आ गए और जो लास्ट में था इसको फर्स्ट में लेके आ गए। देखो W फर्स्ट में, इसको लास्ट में लेके, ये क्या हो गया W इधर आ गया, A इस साइड आ गया। इसी प्रकार से सभी को क्या, R देखो R क्या आ गया बाद में आ गया, इससे पहले क्या आ गया D, R O में क्या किया इनको चेंज कर दिया O R कर दिया, इसी प्रकार B को चेंज करके क्या कर दिया E B। इसी प्रकार से अपन इसको कर देंगे, किसको R E T A I L को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा E R A T L E। बात समझ में आ गई? चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो क्या दिया हुआ है, R E B E L S को क्या लिखा है, F S F C T M लिखा है, तो K N I G H T को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई कूट भाषा उसमें R E B E L S को अपने लिखा F S F C T M लिखा है, तो K I N G H T को क्या लिखेंगे? जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो आप लोग। हाँ भाई वीडियो पॉज करके कर लेना भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो इधर ध्यान से देखना, देखो कैसे लिखा है इसमें, R E B E L S, इसको लिखा क्या है F S F C T M लिखा है इसको, बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या लॉजिक लगा वो देखना आपको।
चलो करते हैं इसको। देखो इसमें क्या किया, इसमें दो दो के जोड़े बनाए, बात समझ में आ गई कितने कितने के, दो दो के, और फिर क्या किया आपस में चेंज किया, प्लस एक जोड़ दिया है। अब देखो ई से जस्ट ई में एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या कौन सी आएगी, एफ आ जाएगी ना, तो ये क्या है, ई में प्लस एक किया तो ये क्या गया, एफ आ गया। आर में प्लस वन क्या कर दिया, ऐड कर दिया तो क्या गया, एस आ गया। ई में फिर जोड़ा एक तो क्या हो गया, एफ हो गया। बी में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया, सी। इसी प्रकार से एल में एक जोड़ेंगे तो क्या आ गया, एम आ गया। इसी प्रकार से एस में जोड़ा तो क्या आ गया, टी आ गया। बात समझ में आ गई, तो सभी में क्या किया है, एक एक ऐड किया है, और इनको क्या एक एक ऐड करके आपस में चेंज कर दिए। बात समझ में आ गई, तो ये लॉजिक अपन इसमें लगाएंगे। देखो अपन लिखते हैं इसको के एन आई जी एच टी। अब क्या करेंगे इसको, दो दो के सबसे पहले जोड़े बना देंगे, ये दो गए, ये दो और एच टी। अब क्या इसको चेंज कर देंगे, प्लस एक कर देंगे। एन कितना है, 14वें नंबर पे है एन से, और आगे कौन सा आएगा, ओ। के से आगे कौन सा आएगा, 11वां नंबर किसका है, क्या के का। 12वां नंबर क्या हो गया, एल हो गया। इनमें क्या एक जोड़े, एक एक जोड़ के फिर क्या कर दिया, चेंज कर दिया आपस में। अब आई का नंबर 8वां नंबर है, तो 9वां नंबर कौन सा हो जाएगा, आई का है 9वां नंबर, तो अपने को चाहिए 10वां नंबर कौन सा हो जाएगा, याद होगा सभी के, क्या हो जाएगा, जे। इसी प्रकार से अपने जी में एक ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, एच आ जाएगा। एच में एक जोड़ दिया तो क्या जाएगा, आई आ गया। और टी में इधर भी जोड़ा था अपने एक, टी के बाद में कौन सा आ जाएगा, यू। बात समझ में आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ओ एल एच जे यू आई। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया अपना आंसर। चलो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो गया। क्या किया है इसमें, देखो दो दो के जोड़े बनाए, फिर आपस में इनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो आगे वाला था उसको क्या लेके आ गए, जो आगे था इसको पीछे लेके आ गए, जो पीछे था उसको आगे लेके आ गए, और एक एक क्या कर दिया इसमें, सभी में ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कूट भाषा में एम आई एस टी ए की को क्या लिखा है, 9765412 लिखा है। उसी प्रकार से एन ए के डी को क्या लिखा है, 8412 लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे, आई एन टी आई एम ई एम ए टी को क्या लिखेंगे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है बहुत ही, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई, देखो तो किस प्रकार से लिखते हैं अपन, क्या दिया हो, देखो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कोई भी सेम देख लेंगे, जैसे आई सेम है दोनों में, आई यहाँ भी आई है और यहाँ पे भी आई है, तो आई को देखो क्या लिखा है, 7 लिखा है। आई को यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा है। यहाँ पे आई को क्या लिखा है, देखो पहले इसमें मिला लेते हैं अपन, दोनों में मैच कर लेते हैं। देखो क्या दिया है इसमें, ए है, ए का क्या दिया, 4 दिया है, ए का क्या दे दिया, 4। इसमें देखो ए कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पे, देखो 1 2 3 4 5 पे क्या, 4। तो अपने ये समझ में आ गया, ए को क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ए को यहाँ भी 4 लिखा है और ए को यहाँ भी क्या लिखा, 4। और देखो कौन सा इसमें सेम है, जैसे इसमें के सेम है, के तीसरे नंबर पे है, तो के का क्या लिखा है, 1 लिखा है। कोड के का कोड क्या है, 1 है, तो इसमें देखो के का कोड क्या है, इसमें भी 1 है। तो अपने ये बात समझ में आ गई कि जो कोड इसमें है वही कोड इसमें है। अब क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने, कोड चेक कर लिए दो के, देखो यहाँ पे चेक किया अपने, ए का कोड इसमें क्या आ रहा, 4 आ रहा है, और इसमें ए का कोड क्या आ गया, इसमें भी 4 आ रहा है। बात समझ में आ गई, इसी प्रकार से अपन ने देखा के का कोड क्या, इसमें 1 है, और इसमें के का कोड क्या दिया हुआ है, इसमें भी 1 दिया हुआ है। तो अब ज्यादा अपने को पूरे मैच करने की जरूरत है नहीं, अपन ने दो कोड मिला लिए। अब क्या करेंगे, इसमें देखते जाएंगे और इनसे इसके जो कोड के नंबर है वही कोड इसमें लिख देंगे। देखो आई का क्या दिया, इसमें
सबसे पहले आई दिया अपने को, तो इसमें आई का कोड देखो क्या है, आई का कोड इसमें 9, तो अपने 9 लिख दिया, ये हो गया। फिर अपन देखेंगे एन का, इसका देखेंगे एन का, एन का कोड देखो सबसे पहले दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। एन का कोड क्या है, एट है ना, तो अपन ने एट लिख दिया। अब आगे चलेंगे, इसका लिख दिया, अब करेंगे टी का। अब किसके करेंगे, टी का कोड देखेंगे, टी देखो इसमें है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो इसमें देखो 4 नंबर पे क्या आ रहा, 5 आ रहा है, तो टी का कोड क्या हो जाएगा, 5। चलो टी का लिख दिया। अब लिखेंगे अपन ने आई का, आई का तो अपने सबसे पहले लिखा था, क्या आ रहा, 9 आ रहा, बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे एम का कोड, एम देखो सबसे पहले है, एम का कोड कितना है, 9 है, तो अपन ने क्या लिख दिया, 9। बात समझ में आ गई, देखो आई का कोड कितना है, 7 है भाई, 9 नहीं है, कितना है आई का कोड, कितना है, 7। आई का कोड कितना है, 7। दोबारा देखो आई का कोड कितना है, 7 हो गया। फिर क्या आया, एन, एन का कोड कितना हो गया, एन का कोड हो गया 8, सही है। फिर आगे देखो टी का कोड, टी देखो कहाँ पे है, 4th नंबर पे, तो टी का कोड हो गया 5, ये भी सही है। फिर आगे देखो टी के बाद में क्या रहा, आई, आई कहाँ पे है, देखो 2nd पे, तो आई का कोड कितना हो जाएगा, आई का कोड है 7। इसके बाद में आई के बाद में क्या रहा है, एम आ रहा है, एम का कोड कितना है, 9 है, तो ये सही है। बात समझ में आ गई, कहाँ तक आ गए, एम तक आ गए अपन। अब बात करेंगे ए की, ए का कोड देखो अभी मैच किया था अपन ने, ए का कोड कितना आ रहा है, 4 आ रहा। इसके बाद में क्या बच गया, टी, टी का कोड देखो, टी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो कितना आएगा, 5। अब क्या बचा है, ई, लास्ट का बचा है ई, ई का कोड देखो, ई इसमें दिया हुआ लास्ट के अंदर, इसका कोड कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई, अपन ने इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ पे तो दिए हुए इनके कोड दिए हुए हैं, तो इन्हीं में अपन ने क्या कर दिया, इसको मैच कर दिया। ये सभी संख्या, ये जो सभी वर्ड है ये यहाँ भी दिए हुए हैं, इसमें और इसमें, इनमें दोनों में देख के इनके क्या है, कोड मैच कर दिए, तो कोड कितने आ गए, 7857945252, ये अपने क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।